नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके हैं कुछ खास वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर टीचर जो 3 साल या 5 साल के लिए जो अनुबंध पे निकालती है उसका 27 को एग्ज़ाम हो गया होने वाला है, और आप जो है डाउनलोड कैसे करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप जो है गूगल में जाइए। जो गूगल में जाने के देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड लॉगिन आईडी और पासवर्ड से होगा और एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 27 को होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ करें क्या करेंगे, गूगल में टाइप करना है CARERR/TECIL.com। जैसे आप डालिएगा तो यहाँ पे जो मेन ऊपर में जो लिखा हुआ है TECIL.com करके, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो टेक्नो कम्युनिकेशन कॉन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड का जो होम पेज है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आने के बाद जो है आपको एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपका क्या जो है वो आपका मेल में एक आईडी पासवर्ड जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया होगा वही आपका आईडी होगा, और आपको पासवर्ड जो क्रिएट किए थे वो डाल देना है। तो जितना भी स्कूल पहले कोई दूसरा कंपनी लिया था, अब जितना भी फेज वन का जितना भी है इसको इस कंपनी में कन्वर्ट कर दिया टेक्नो कम्युनिकेशन कॉन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड में। तो 27 को एग्ज़ाम है, तो चलिए डाउनलोड करके एडमिट कार्ड लेके जाइए और उसमें देखेंगे कब एग्ज़ाम है क्या कहाँ सेंटर है। तो सबसे पहले आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो क्रिएट किए थे उसको डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया है, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जो ICT कोऑर्डिनेटर जो स्कूल कोऑर्डिनेटर होता है तो उसका फिर से एग्ज़ाम होगा जहाँ सेंटर दिया हुआ है, धनबाद, रांची, बोकारो, जहाँ भी हुआ है। तो इस प्रकार आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके आप जा सकते हैं। धन्यवाद।